हेल ग्रेंज स्कूल के प्रोफेसर H.C. वर्मा की देखरेख में 2 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया और कार्यशाला 25 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी। कार्यशाला के पहले दिन में अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर अमीर बशीर प्रिंसिपल H.G.S. द्वारा दिया गया और मुख्य अतिथि गणमान्य व्यक्तियों प्रतिनिधि शिक्षकों और छात्रों का स्वागत किया गया। भौतिकी की नई और विकसित अवधारणाओं पर IIT कानपुर के पूर्व संकाय प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा पद्मश्री द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया। कार्यशाला का नाम विभिन्न विज्ञान विशेषज्ञों की उपस्थिति से रखा गया, जिन्होंने छात्रों के समक्ष अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत की और प्रदर्शित की। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्रों और प्रतिभागियों ने अपनी विज्ञान परियोजनाएं प्रस्तुत की और भौतिकी के क्षेत्र में अपने रचनात्मक विचारों की उपलब्धि को लेकर प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। छात्रों को उनकी रचनात्मकता दिखाने के लिए सराहा गया है और उनकी बुद्धि और जिज्ञासा के लिए मान्यता दी गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि हिल ग्रेंज स्कूल का प्रबंधन समुदाय और युवाओं की भलाई के लिए जमीन पर कुछ नया लाने के लिए हमेशा तत्परता से काम करता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उत्तरी कश्मीर के छात्रों को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर H.C. वर्मा द्वारा निर्देशित इस विज्ञान कार्यशाला का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करके उनके बीच उत्साही उत्साह विकसित करना था। अपने धन्यवाद ज्ञापन में समन्वयक मिस रुकिया कादिर ने इस दिन को लेखनीय बनाने के लिए मुख्य अतिथि और कार्यशाला संरक्षक प्रोफेसर H.C. वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रबंधन को भी धन्यवाद दिया। प्रथम ने इसे सफल बनाने के लिए शिक्षकों और कार्यक्रम आयोजकों की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। क्योंकि अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उनको उनको रास नहीं आते है ना। हमने यहाँ जो कॉलेज में स्कूल्स के अंदर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो जो हवा थी वो कंप्रेस हुई थी, अभी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर की हवा जो है फैलेगी, प्रेशर घटेगा तो ड्रॉपर का पानी निकल कर पानी में आएगा, ड्रॉपर हल्का हो जाएगा तो ड्रॉपर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, इधर से प्रेस करते हैं तो इधर से ऐसे फूलता है, उधर से वैसे फूलता है, एंड दैट मेक्स द होल स्टोरी। ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां से 2 बार लूंगा, ठीक है, कितनी ली गई? 2। उसी धैर्य से उनसे हमेशा फोन करते रहे, बातें करते रहे, उनका और ये पूरी कश्मीर की विजिट ऑर्गेनाइज हुई है वो रुखिया कैंप के ही माध्यम के ही कारण से। और आने के पहले मैंने यही सोचा था कि मैं कश्मीर को देखने के लिए जा रहा हूँ और मेरे मन की जो मुराद थी कि मुझे कश्मीर देखना है, इसीलिए मैंने कहा भी था। जी सर, ये A wonderful experience as we attended the science workshop under the mentorship of ex-dietitian S.C. Verma sir. So it was a wonderful experience as we got to know about the many things that we were not, you know, having a clear concept of in our classroom. They demonstrated the things, they showed us many, you know, ways of solving the questions and all. So as I got to know about many things today, like they showed us demonstrations about many things that we, you know, usually think they are not important in our classroom, but they showed how they are important in our day-to-day lives, and they showed us, you know, practical examples of it. And next day we will, you know, have a question answer sessions, and the questions I will be having, I will, you know, frame out as questions to H.C. Verma sir, and I hope for a better answer for them. So, since we had the science workshop at Hilgrain School, Hambara, and there were many dignitaries and guests present, including the great H.C. Verma sir, as we know that he is known for his exemplifying knowledge in the field of physics, so we got to learn about different things about physics and most how we can apply all those concepts practically in our daily life and learn from them that how
laws are governed by nature themselves and how we can learn from physics how nature actually works. कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अभी दो दिन का सेशन है, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा? तो इसके बाद कैसा? It was a great experience as we learned not only about the fundamentals of the physical world, but we learned that how can we actually learn and study physics in our daily life. So it was an epoch-making experience indeed with all the dignitaries present there, including the HC Verma, as they displayed their real knowledge to us.